कैसे यार आप सब लोग आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। और ये देखो फाइनली यहाँ पे लॉकडाउन खुल चुका है और मैं एक हफ्ते के बाद अपना थोबड़ा बता रहा हूँ आपको। उसकी वजह है थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या वजह है उसकी। चलो उस पर आज बात करेंगे। पहले एक शॉट मार के और ये गोल ओपी बोलते मैं बैठ के आपसे बात करूंगा। हम अभी बास्केटबॉल खेल रहे थे क्योंकि काफी टाइम के बाद ये ग्राउंड्स वगैरह खुले थे यहाँ पे। फाइनली ओपी किस्म का माहौल हो चुका है यहाँ पे। बीचेस भी खुल चुके हैं, सब कुछ खुल चुका है, लेकिन मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। सवाल ये जो है मैंने परमानेंट तौर पर नहीं छोड़ी, 3 महीने के लिए छोड़ी है। हमारे व्लॉग्स आएंगे एक हफ्ते बाद, या हफ्ते में 2 व्लॉग्स भी आएंगे, लेकिन डेली नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि यार आपको में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, देख लो स्क्रीन पे भी आपको आ रहा होगा, देख लो कितने बंदे देख के वीडियो को और सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो ये बड़ी वजह थी। उसके अलावा भी मैंने 1 महीने का चैलेंज लिया था, 30 डेज चैलेंज, वो मेरा कम्प्लीट हो चुका था। ये लास्ट वीडियो में जो आ जाएगी, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, इस पर हमारा 30 डेज चैलेंज कम्प्लीट हो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया, 29 वीडियो बना के छोड़ दिया। अभी हम लोग खेल रहे थे बास्केटबॉल, हमारा बास्केटबॉल कंप्लीट हो चुका है। नीचे से और सामान लेना है, जाके वो लेंगे। उसके बाद मैं आपके Q&A कुछ हैं, आपके सवालात के जवाब दूंगा। आज बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए तो मैंने कहा यार इस वीडियो में आपको सवालों के जवाब दे दूं। नेक्स्ट जो व्लॉग है वो एक हफ्ते बाद आया करेगा या 2 हफ्ते बाद आएगा, 3-4 महीने के लिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्लान्स किए हुए हैं आपके लिए। बाहर घूमने जाएंगे हम लोग, हो सकता है पाकिस्तान का टूर करें, लेकिन उसके लिए जरूरी वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हर एक को लाइक करें। उतरने जा रहे हैं लास्ट अपना गोल और ये जस्ट मिस, अगेन मिस। ये तो कुछ ज्यादा बेस्ती टाइप ही हो रही। चल बच्चे घुस जा। ओ ये उसको देखो, वो जंगली को देखो। तीसरी जो ट्राई थी उसमें हम लोगों ने अटेम्प्ट अपना कंप्लीट किया है। देखो भाई मैं कट शॉट नहीं लगाता, डायरेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खेलना नहीं आता, खेलना मेरे को आता है, समझ रहे हो। देखो हरकतें चेक करो इसकी, बास्केटबॉल ग्राउंड में कौन साइकिल चलाता है, वो भी भाड़े की साइकिल। अभी हम बाइक जा रहे हैं और इसको चेक करो, हैवी लौंडा फुटपाथ पे चला रहा है। मामो ने देख लिया तो चलान मारेंगे, लेकिन क्या करें, पीपी है, पीपी कहते हैं छोटे बच्चे को कैंटनीज में। इसके अलावा मजे की बात ये व्लॉग आपको वीकली मिल जाए या 1 वीक में 2 भी मिल जाए हो सकता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो आपको हो सकता है डेली मिले। शॉर्ट चैनल पे जो मैंने शॉर्ट चैनल बनाया था उस पर हम लोग एक्टिव होने वाले हैं जल्दी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बोला था कि जो विनर होगा, मैंने 17 तारीख को आपको बोला था, आज तो मेरे ख्याल में 27 होती, 10 दिन लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बहरहाल इसके अलावा हैवी इंग्लिश, अब हम लोग जो है वो विनर अनाउंस करेंगे, वो भी शॉर्ट चैनल पे अनाउंस करेंगे। इस चैनल पे नहीं होगा, वो शॉर्ट चैनल पे आपको पता चलेगा कौन जीता है, वो मैं लकी ड्रॉ करूंगा गूगल से ही। तो देखते हैं कौन जीता है, आज ही जाके करेंगे, अभी चलते हैं सामान लेने के लिए। चैनल पे हम लोगों ने किया है इसके साथ बहुत सारे चैलेंज, कुछ चैलेंज ये जीता है, कुछ चैलेंज ये नहीं जीता, वो आपको शॉर्ट चैनल पे जाके पता चलेगा। मस्त वीडियो बनाई है मैंने वहाँ भी। ये देखो अभी घर जा रहे हैं, बास्केटबॉल भी रखना है, ये साइकिल भी रखनी है। वीली मार मार, वीली मार, अरे दांत टूटेंगे, वीली मारेगा तू। ओ सो सैड, इसको देखो आप बड़ी हो, आप अंदर बैठ गई हो, इसको देखो और ये देखो। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आ जाओ। मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज काफी अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, काफी दिनों से धूप निकल रही है लेकिन आज थोड़े थोड़े बादल भी हैं तो मजे का मौसम है। पहला क्वेश्चन है हमारा हसनैन फयाज की तरफ से, कहते हैं ब्रो कोई तरीका बता लीगल आने का हांगकांग में और सेटल होने का। तो ब्रो लीगल तरीका हांगकांग में आने का एक यही है कि आप किसी से मैरिड करके आओ, मतलब यहाँ की लड़की हो उस तरीके से आप आ सकते हो, या फिर आप किसी के बेटे बन के आ सकते हो, वो एक अलग कहानी है, उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, 1-1.5 करोड़ लगता है, लेकिन वो वसूल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। कोई भी कंट्री इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देती जहाँ पे यहाँ पे मिलती है जितनी आपको। तो ये 2 तरीके थे, इसके अलावा परमिट से भी आ सकते हो, आपको अगर कोई स्पॉन्सर करता है वीज़ा तो उस तरीके से भी आप आ सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ का कोई बंदा हो, उसका यहाँ पे बिजनेस हो, अपना घर हो, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, या आप वर्कर के थ्रू भी आ सकते हो, मतलब किसी फैमिली को वर्कर की ज़रूरत हो घर के लिए तो उस तरीके से भी आप आ सकते हो। ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से आप आ सकते हो। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आपके पास मनी है तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करो जिस मुल्क में आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, यहाँ पे आने से बेहतर है वो जगह। जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसकी तरफ से, हरमन कवि जी कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी दो। ब्रो मेरे पास अभी तक कोई भी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, जल्दी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगा फिर आपको आईडी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसकी तरफ से, पढ़ इसको, तलाब्रार कहते हैं सर अगर हमें पाकिस्तान से हांगकांग आना हो तो हमारी पेमेंट कितनी लगेगी, जरा व्लॉग बना के बता दो। ब्रो पेमेंट कितनी लगेगी, मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में भी, अगर आप किसी के बेटे बन के आते हो, मतलब किसी और के डॉक्यूमेंट्स में आते हो तो ऑलमोस्ट 1-1.25 करोड़ आपको लगेगा, और अगर वैसे आप विजिट के आते हो तो विजिट में भी मेरे ख्याल में 10-12 लाख लगते हैं, लेकिन विजिट आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
चंदन कुमार कहते हैं हांगकांग में डिलीवरी जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, वीडियो बनाए, वीडियो ब्रो बनाई तो इसमें बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं लिंक अगर आपको चाहिए तो डाल दूंगा। जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, जॉब पे डिपेंड करता है, अलग अलग जॉब्स होती हैं। जॉब करने के लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, यहाँ का आईडी, चाहे वो परमिट हो चाहे वो नॉन परमिट हो, आईडी होना चाहिए, उससे आपको हर किस्म की जॉब यहाँ आसानी से मिल जाएगी। बाकी जॉब पे डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो ये कुछ रैंडम सवाल थे, और भी बहुत सारे सवाल है लेकिन मैंने ये 3-4 पिक किए हैं, क्योंकि आज के लिए इतना ही ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ें लेने के लिए, और इसके साथ कुछ चैलेंज और भी करने हैं अभी। इसके अलावा यार बिग थैंक यू टू फेड वाइटी, एज अर्श व्लॉग, और इसके साथ साथ बहुत सारे नाम और भी हैं जो हमें डेली कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके और भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको जवाब मैं ज़रूर दूंगा। इसके अलावा हाजी इदरीस और मैनी मोर, जितनों के नाम मैंने नहीं लिए, सबका थैंक यू सो मच। इसको देखो अभी भाई पैसे निकलवाएंगे और आए पैसे निकलवाएंगे, इसको जो चैलेंज ये जीता है उसके पैसे भी देने हैं, अभी $1,000 जीत गया ये। हम आ चुके हैं मीनिंग्स पे, यहाँ से लेनी है कुछ चीज़ें, चलो चलते हैं। ये देखो हाय 34 टेम्परेचर है मेरा, मीनिंग्स हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। उसको देखो, वो देखो, वो सीधा गेम के पास जाएगी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, जब भी प्लाजा आती है सीधा गेम के पास जाती है। जा उसको पकड़ जल्दी कर, पकड़ो, रोजे में भाग रहा है। चैलेंज लगा यहाँ पे, तो चैलेंज होगा $500, जो बंदा चैलेंज जीता $500 मिलेंगे उसको, ठीक है, इसका और दे रहा, ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा ये चैलेंज। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सिक्के निकलवाएंगे, 2 चाहिए सिक्के, इसका लक ओपी है। चलो फिर देखते हैं, मैं नहीं खेलूंगा ये चैलेंज, ये खेलेंगे, लेकिन चैलेंज की वीडियो आएगी शॉर्ट चैनल पे। हमारे पास आ चुके हैं 5 सिक्के, इनमें से 2 सिक्के हम निकाल लेते हैं इनके चैलेंज के लिए, 3 सिक्के ये तीनों करेंगे, देखेंगे किसका लक ओपी है। इनसे अगर हार गया तो पानी में डूब मरना। ये इसका देखेंगे कैसा लग जाता है, उसके 2 पे रुके थे, और 1 and 2 और इसका भी लग 2 पे, ये लगता है क्लियर विन ले जाएगा ये। हाँ हमारा फाइनल कंटेस्टेंट, अगर उनसे आ रहा तो पानी में डूब मरेगा तू, पानी में तेरे पास ऊपर पानी डालूंगा ठंडा वाला। चलो 3, 2, 1 गो, अगर हारा तो ठंडे पानी से नहलाऊंगा तुझे। और चलो अभी सही चैलेंज तो अभी होगा ना, चलो ये जीत गया, चलो कोई नहीं, पहली बार तू उनसे जीता है। ठीक है, ये तो 3 पे रुका था, 3 पे रुका था, कितनी निकली है? 4 निकल गई। हाँ ये आज इसका लॉक ओपी है, 4 निकल गई। वो देखो कभी कभी ऐसे होता है 1 पे 2 फंस जाती हैं, तो वो फिर डबल निकल आती हैं, ओपी लग बोलते हैं। चैलेंज के चक्कर में हमारे पास बहुत ज्यादा मेंटोस हो चुकी है, यहाँ से अभी निकलते हैं, मेंटोस दुकान डाल ले, इतनी ज्यादा मेंटोस हो चुकी है, बहुत ज्यादा मजा आया इन चैलेंज में। शॉर्ट चैनल पे आपको ये वाले चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा चैलेंज हम लोग फ्यूचर में भी करने वाले हैं, तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अलग अलग लेवल के चैलेंजेस होंगे, इसके साथ कभी होगा, कभी मेरे साथ, कभी वो छोटों के साथ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज लेने के लिए, चलो आ जाओ। ये देखो इसको देखो, रोजा है तो मेंटोस ये खा नहीं सकता, अभी अभी भागना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा लेट। वो ये क्या चल रहा है पता नहीं, ये $10 का क्यूपन, ये क्या चीज है, क्या कहते हैं ये, कहते हैं हमें फॉलो करो और ये लो। अरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और ये देखो ये दे रहे हैं, ये कैसे सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, लगता है मुझे भी यही प्लान करना पड़ेगा। ये देखो $10 का कूपन और ये साथ में कुछ फॉलो कर दिया, डिलीट कर रहा हूं अभी। ये देखो ये चालू सब्सक्राइबर होते हैं, ऐसे सब्सक्राइब किया और ये देखो $20 के कूपन भी ले लिए साथ में शॉपर भी, उसके बाद अनसब्सक्राइब, बहुत बुरी बात है ब्रो, ऐसा नहीं करते। ये देखो बड़ा शाना है तू है, वो देखो आई ये BMW, वो भी ब्लू कलर में। अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट, ये देखो बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब करते हो पहले तो करो नहीं, अगर कर लिया तो फिर अनसब्सक्राइब नहीं करते। ये देखो यहाँ पे मिलेंगी आपको छलियाँ, जिसको हम कहते हैं कौन, अबे हट जा। ये देखो 3 टाइप की छलियाँ, इन दिनों को देखो, ये क्या कर दिया, दोनों ने मास्क उतार दिए, ये क्या किया, क्यों उतार दिया, बता दिया आपने क्यों उतारा है, तो मैं पीछे को बिठा दूंगा, बिठा दो, आपने बैठना है। ये देखो दोनों को मस्के चढ़ी है, बहुत टाइम बाद बने, क्या हुआ भाई, 1000 के केले, 1000 के केले, मेरा दिमाग खराब है किधर। ये देखो हर वैरायटी का केला पड़ा हुआ, $10 का केला बोल रहे थे, ये बोल रहा है मुझे 1000, किधर गया ये, $10 का केला पड़ा हुआ था, कहता है 1000 का केला, मुझे डरा दिया, क्यों जा रहे इधर, हाय इधर क्या करने आया तू। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं स्पाइसी नूडल्स, ये भी चैलेंज करने वाला, ये स्पाइसी नहीं है, ये वाले स्पाइसी है, ये
इस बार हम एक पैकेट से स्पाइसी चैलेंज करेंगे और वो भी शॉर्ट वीडियो आएगी शॉर्ट चैनल पे ही। तो कौन से लेगा? ये लेते हैं, ये ज्यादा सही है, कोरियन। ये जो नूडल है हम लोग लेने वाले हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी है और मजे की बात ये हलाल है, तो ये अपने अपने पैसों के ये लेगा और ये चैलेंज हम लोग करेंगे आज ही रात को। हाँ 1000 तो जीता है भाई साहब, ले सकता है तू, अमीर लौंडा हो गया है। वैसे ये 1.14 का है, 2.28 के सस्ते हैं। हर वैरायटी के यहाँ पे स्पाइसी नूडल्स मिलेंगे। साथ में हम लोग लेंगे ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, रमजान में फिर आपको पता है मैदा भी खाली होता है, तो ये ठंडा ठंडा यहाँ से हम लोगों ने ले लिए। ये सेटिंग करेंगे, रात को होगा ये चैलेंज। चला आजा निकलते हैं। और क्या लेना है तूने भाई? चॉकलेट वाला मिल्क। आज ये लूट रहा है चीजें क्योंकि इससे $1000 जीता है अभी अभी मुझसे चैलेंज में, तो ये चीजें लूट रहा है, इसका हक बनता है। चल ले निकलते हैं जल्दी, कर देर हो रही है। ये किस चीज का अंडा है? ग्रीन अंडा। यहाँ पे आपको मिलेंगे अंडे अलग अलग किस्म के, लेकिन ये मुझे नहीं पता बतख का है या किस चीज का है। ये देखो काला अंडा भी है भाई साहब, ये तेरा अंडा है। अबे वो नूबड़े। ये देखो, ये है शादी के नुकसानात, ऐसे भी करना पड़ता है कभी कभी। और हमने यहाँ भी आना है, यहाँ पे मिलती है बहुत प्यारी डेजर्ट और उसका भी हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ किधर गया, किधर गया ये वाला, इसका हम लोग चैलेंज करेंगे। ये कोकोनट में बना के देते हैं, बहुत ज्यादा मजे का। अगर आपको वीडियो बनाने की चाहिए तो मैं आपको वही बना के दूंगा। निकाल, तू ज्यादा ही नहीं फूल रहा, $1000 जीत के। यहाँ से हम लोगों ने लिया एक पाइन एप्पल, बहुत ज्यादा मजे का। हमेशा याद रखना ये ऑरेंज कलर का पाइन एप्पल है ना, ग्रीन कलर का नहीं। क्या ये हो चुका है खत्म, चलो अभी घर चलते हैं। बहुत सारा सामान ले लिया, ऐसा तो होता है, फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हेलो, कैसे हो? ये है फवाद खान का भाई। देखो मुझे आपका भाई मिल गया। ये देखो आपका भाई कैसा है, तेरा छोटा भाई कितनी अच्छी जुबान निकाली है। जा बैठ जा इसके साथ, मैकडॉनल्ड के सामने। वाह ओपी, मैकडॉनल्ड के चौकीदार। मौसम चेक करो, गजब का मौसम हुआ है, ओपी किस्म का। बादल आए हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं। पहाड़ी पे जाने का दिल था मेरा लेकिन रमजान है, नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। वैसे थोड़े ही रह गए, एक हफ्ता ही रह गया, रमजान खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएगी ईद। हालत देखो मेरी भाई साहब, एक्स्ट्रा स्पाइसी नूडल से चैलेंज कंप्लीट कर लिया मैं, मैंने विन कर लिया $500। ओए होए होए होए, हालत काफी ज्यादा टाइट हो चुकी है, स्पाइसी नूडल से ऊपर से मिर्ची आ है, मुंह ज्यादा जल रहा है मेरा। ये था क्या ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यार माजरा चाहूंगा, रोज ब्लॉग नहीं बना सकता, 3-4 महीने बाद हम लोगों ने प्लान किया हुआ बाहर जाने का, पाकिस्तान का टूर करने का, तो उस दौरान मैं हफ्ते में एक ब्लॉग अपलोड कर दिया करूंगा, तो उसके लिए माता, लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैं एक्टिव रहूंगा शॉर्ट चैनल पे। अभी के लिए हालत टाइट है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।